नमस्कार। और देखिए, आजमगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आजमगढ़ के उपचुनाव के दूसरे राउंड में आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव लगभग 1700 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली और दिनेश लाल यादव, जो कि भाजपा से चुनाव लड़े थे, आपको बता दें कि उन्हें लगभग 1700 वोटों से पीछे कर दिया है। आपको बता दें कि दूसरे राउंड में गुड्डू जमाली और दिनेश लाल यादव को पीछे छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव आपको बता दें कि आगे चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रामपुर सीट पर भी जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में आपको बता दें कि जीत सकती है। फिलहाल अभी 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी वहां पर जीत रही है, कौन सी पार्टी का प्रत्याशी वहां पर जीत दर्ज करेगा। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि फिलहाल धर्मेंद्र यादव 1200 और 1700 वोटों से आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर है जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने आपको बता दें कि मीडिया से बात करने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही वो मीडिया से बात करेंगे, आपकी